हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहे बचो जितना। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की वीडियो बनाना तो हमारी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर को ओपन करने के बाद जहाँ पे प्लस का आइकन दिखाई देगा तो आपको इसको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको बहुत सी रेशो दिखाई देगी। तो दोस्तों मैं सिंपली 16:9 की रेशो को सिलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों इतना करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मीडिया को ओपन कर लूँगा। दोस्तों मीडिया को ओपन करने के बाद मेरे पास जो भी गैलरी में फोल्डर हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आप जहाँ से भी अपनी पिक्स उठाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने फेवरेट में जाऊँगा क्योंकि मेरी फेवरेट में पिक्स हैं तो मैं इनको लगाना चाहता हूँ, तो मैं इनको लगा लूँगा। तो दोस्तों दो तीन पिक्स मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। दोस्तों इतना करने के बाद मैं इनकी लेंथ को 7-8 जितना भी आप रखना चाहते हैं तो सेम लेंथ इनकी रख लें। तो दोस्तों मैंने तीनों की लेंथ रख ली है और इतना हो जाने के बाद सबसे पहले मैं जो ये पिक्स हैं, पिक्स आप देखो कुछ इस तरह से मूव हो रही होगी। दोस्तों ये देखो आप पिक्स मूव हो रही है। तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि पिक्स मूव ना करे, ये देखो कुछ इस तरह से मूव ना करे, तो आप सिंपल इसमें जाएं, पिक्स को क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो इक्वल टू है इसको ओके कर दें। दोस्तों आप ओके करने के बाद दोनों इस तरह से टच करके, दोनों हाथों से टच करके, दोनों हाथों से टच करके आप जहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं इसको सेट कर लें। दोस्तों जैसे कि मैंने जहाँ पे इसको सेट कर लिया है। दोस्तों इसी तरह वन बाय वन मैं तीनों पिक्चर को सेट कर लूँगा। दोस्तों तीनों पिक्स सेट हो जाने के बाद मैं फिर से लेयर में जाऊंगा। लेयर में जाने के बाद जहां पे मीडिया का ऑप्शन आएगा, मीडिया के ऑप्शन को मैं क्लिक कर लूँगा। दोस्तों जैसे ही मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा सेम पहले की तरह सभी फोल्डर ओपन हो जाएंगे। मैं अपने फेवरेट में जाके तो जो भी आपकी पर्सनल इमेजेस होंगी अपने फ्रेंड की जहाँ अपनी, आप उसको सिलेक्ट कर लें। दोस्तों जैसे कि मैंने जे वाली पिक्स को सिलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद आप अपनी पिक्स को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाएं, जहाँ पे एक क्रॉपिंग का ऑप्शन आएगा आप इसको क्लिक कर लें। इतना हो जाने के बाद आप जहाँ पे मार्क्स आएगा मार्क्स को ओके करके जो भी आप शेप देना चाहते हैं, इसमें बहुत सी शेप्स आ जाएंगी, जो भी आप शेप देना चाहते हैं आप उसको एडजस्ट कर लें। दोस्तों मैं जे वाली शेप इसको देना चाहता हूँ तो मैंने इसको जे वाली शेप दे दी है। दोस्तों इतना हो जाने के बाद सबसे पहले मैं इसको नीचे वाली लेंथ के साथ मिला लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरी बिल्कुल जो नीचे वाली बैकग्राउंड है उसके साथ मिल चुका है। तो दोस्तों इतना करने के बाद मैं सबसे पहले इसको लूँगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा और इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा। दोस्तों जहाँ पे 3 डॉट आएंगे इस पर क्लिक करो और जहाँ पे डुप्लीकेट का एक ऑप्शन आएगा इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद मैंने इसका एक डुप्लीकेट बना लिया है। दोस्तों जो नीचे वाला है वो मैं जहाँ पे छोड़ूंगा और ऊपर वाले को मैं कुछ जहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। दोस्तों इतना हो जाने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर वाले को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जहाँ पे एक चाबी का निशान आएगा इसको क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, बिल्कुल लास्ट में चला जाऊंगा। लास्ट में जाने के बाद मैं जहाँ से इसको खींच के, दोस्तों जहाँ से इसको खींच के मैं इसको लास्ट में रख लूँगा और उसी तरह मैं नीचे वाले में जाऊँगा। नीचे वाले में जाके लास्ट में चला जाऊँगा और चाबी के आइकन पे क्लिक करके इसको जहाँ जहाँ से खींच के इसको इधर लास्ट में
रख लूंगा। तो दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। है ना, तो दोस्तों इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें। तो मैं इसको लास्ट में जाके फिर से की के ऑप्शन में जाऊंगा, थोड़ा सा आगे करके इसको इस तरह से कर लूंगा। तो दोस्तों अब आप देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने। तो दोस्तों इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, इसको आप ऊपर नीचे कर लें। तो दोस्तों उसके बाद मैं जल्दी जल्दी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो आप इसको एडजस्ट कर लें। दोस्तों उसके बाद मैं फिर से दूसरी पिक्स में जाऊँगा। दूसरी पिक्स में जाने के बाद फिर से मैं लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाके मैं मीडिया में जाऊँगा। मीडिया में जाने के बाद जिस जहाँ पर भी आपने पिक्स रखी होगी उसको ले लें। तो दोस्तों मैं जे वाली पिक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं स्लाइड करके क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाऊँगा और जो भी मैं मास्क रखना चाहूँ उसको रख लूँगा। तो दोस्तों इसको एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों मेरी जो ये भी तैयार हो चुकी है और इसका मैं फिर से एक डुप्लीकेट तैयार कर लूँगा। दोस्तों इतना करने के बाद मैं इसको भी लास्ट तक इसको ले जाऊंगा खींच के, और नीचे वाले को भी खींच के लास्ट तक ले जाऊंगा, और ऊपर वाली पिक्स पे बैकग्राउंड पे क्लिक करके फिर उसके सामने से इसको क्लिक करके कैंची का ऑप्शन आएगा, इसको कट कर लूँगा। दोनों को मैं इसी तरह कट कर लूँगा। दोस्तों इतना हो जाने के बाद मैं ऊपर वाली को सेंटर में रख लूँगा और नीचे वाली को इसके डाउन में बिल्कुल जहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँगा। दोस्तों इतना हो जाने के बाद जहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन आएगा, ओवरऑल एनिमेशन में जाके मैं नीचे वाली को क्लिक करूँगा और स्लाइड करके नीचे जाऊँगा जहाँ पे एक रिंग का ऑप्शन आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ऊपर वाली को क्लिक करके फिर से ओवरऑल एनिमेशन में जाऊँगा जहाँ पे बहुत से आ जाएंगे फ्लोटिंग, जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लें। मैंने ये वाला लगा लिया। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद इसको आप एडजस्ट कर लें कुछ इस तरह से। मैंने एडजस्ट कर लिया है और ये भी कुछ इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसका भी एक डुप्लीकेट बनाना चाहें तो फिर से आप थ्री डॉट्स पे जाएं, डुप्लीकेट बना के इसको खींच के जहाँ पे ले आएं, और नीचे वाले का डुप्लीकेट बनाना चाहें फिर से थ्री डॉट पे जाकर डुप्लीकेट बना के इसको खींच के जहाँ पे ले आएं, और इसकी जो ये थोड़ा छोटा कर लें। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपके सामने ये वीडियो बन के आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आप एक और डुप्लीकेट बना के इस साइड लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इतना ही रखूँगा। दोस्तों इतना हो जाने के बाद मैं आइडियो में जाऊँगा। आइडियो में जो भी मेरा सॉन्ग है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा और उसको लगा लूँगा। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतना हो जाने के बाद आप देखें कुछ वीडियो इस तरह से बन के आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आपकी वीडियो तैयार हो चुकी है। इसके बाद आप सिंपली जहाँ पे शेयर के ऑप्शन में जाएं और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करें।